अपनी मांगों को लेकर सफाई मजदूर संघ ने नगर निगम में मेरठ नगर आयुक्त का किया घेराव। सफाई मजदूर संघ के महामंत्री नेता कैलाश चंदोला, कमल मंगोटिया, राजकुमार तन्हास, नरेश वेद्र, रविंद्र वेद्र, विनोद चंदोला आदि पदाधिकारियों के नेतृत्व में आज नगर आयुक्त अमित पाल शर्मा का घेराव किया गया, जिसमें उन्होंने अपनी मांग की है। 6 जुलाई 2022 में स्थानीय निकाय सफाई मजदूर संघ द्वारा सफाई कर्मचारी की 16,500 वेतन दिए जाने पर यह तो आपकी सेवा में सादर प्रस्तुत संकलन प्रतिवेदन छायाप्रति केसा पक्ष माननीय महापौर नगर निगम द्वारा नगर आयुक्त को लिखे गए संलग्न पत्र छायाप्रति के अनुसार माननीय नगर निगम कार्यकारिणी पटेल से निस्तारित करने पास कराने के संबंध में एक विज्ञापन दिया गया था। मजदूर संघ के नेता महामंत्री कैलाश चंदोला एवं उनके पदाधिकारियों ने स्थानीय निकाय सफाई मजदूर संघ शाखा नगर निगम मेरठ का उपयुक्त संदर्भ में 4 जून को अनुरोध है कि आज से समय में आसमान छू रहे महंगाई के हिसाब से 16,500 महीना देने कृपा करें। उन्होंने बताया कि 25 लाख की आबादी के सापेक्ष में 7,000 सफाई कर्मियों की भर्ती की जाए। यूनियन के महामंत्री ने बताया कि 29 अप्रैल 2015 के शासनादेश 166/M/7/15/21 मेरठ 2015 कोई अनुचित अनुपालन पर उचित जांच कमेटी गठित की जाए। आपको बता दें, नगर निगम कार्यकारिणी ने सर्वसम्मत से फैसला जो लिया उसमें महापौर और पार्षदों ने खोला चुनावी पिटारा, नहीं पड़ेगा कोई टैक्स, यूजर चार्ज पर भी रोक लगाई गई है। 100 ई रिक्शा और 200 ई रिक्शा की होगी खरीद। नंबर 2 5 करोड़ की कार्यों का प्रस्ताव दे सकेंगे महापौर नगर आयुक्त। नंबर 3 50 लाख के प्रस्ताव दे सकेंगे सभी पार्षद। 100 MLD गंगा जल भोले की झाल से जल्द मिलेगा और विदेशी कुत्ता बिल्ली पालने के लिए चुकाने होंगे 500। देसी ब्रांड पर 100 रुपये वार्षिक लाइसेंस शुल्क देना होगा। 12,000 से आउटसोर्स सफाई कर्मियों का मानदेय 16,500 किया गया, उसके लिए सफाई मजदूर यूनियन महामंत्री कैलेश चंदोला, राजकुमार तन्हा व अन्य पत्रकारियों ने नगर आयुक्त को धन्यवाद दिया। देखिए मेरठ से सुशील दस्तोगी की एक खास रिपोर्ट। को लेकर मेरठ के नगर आयुक्त अमित पाल शर्मा का सफाई कर्मचारी के महामंत्री कैलाश चंदोला के नेतृत्व में एक धरना प्रदर्शन दिया गया, जिसमें उन्होंने एक निवेदन नगर आयुक्त से करा कि 12,000 की तनख्वाह की जगह 16,500 कर दी जाए बढ़ती महंगाई के मद्देनजर। लेकिन आज जो है नगर निगम की कार्यकारिणी की बैठक में सर्वसम्मति से कई प्रस्ताव पास किए गए, जिसमें महापौर और पार्षदों को छूट मिलेगी और ऐसा ही उन्होंने सफाई कर्मचारियों के लिए करा। 12,000 की तनख्वाह से उन्होंने बढ़ाया 16,500 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलेगा और 50 लाख का कार्य एक सभासद कराएगा और महापौर और नगर आयुक्त को 5 करोड़ के कार्य मिलेंगे और नहीं बढ़ेगा कोई टैक्स, यूजर चार्ज पर भी उन्होंने रोक लगाई। अपनी मांग पूरी होने के बाद महामंत्री कैलाश चंदोला के और उनके अन्य साथियों ने नगर आयुक्त अमित पाल शर्मा को धन्यवाद भी दिया। उन्होंने कहा कि नगर आयुक्त हो तो ऐसा हो जो मांगों को स्वीकार करे और सफाई मजदूरों पर ध्यान दे, ऐसा ही मेरठ के नगर आयुक्त ने करा, जिसके लिए वह धन्यवाद के पात्र हैं। मेरठ से अखंड न्यूज़ 24 की सुशील रस्तोगी।